So friends, this is Yusuf Sotra and welcome to Complete Course Destination. So as you know that APS ke almost sabhi results jo hain declare ho chuke hain. Agar hum contractual ki baat kare to contractuals ke results jo hain already aa chuke hain in the month of March and in the beginning of the April as well. Aur abhi filhal kal parso mein hamare APS Jalandhar ka jo cluster tha uske रेगुलर के रिजल्ट्स भी जो है डिक्लेयर हो चुके हैं. सो जिन कैंडिडेट्स ने एपीएस जलंधर के अंदर रेगुलर के लिए अप्लाई करा था फॉर एपीएस तिबरी अमृतसर ब्यास कपूरथला तो उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं. जिनको कॉल की वेट थी और उनको कॉल नहीं आई है सो डोंट वरी, अभी आपके पास और स्कोप है. अभी तो उन्होंने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर लिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉल आ गई होगी, मेल आ गया होगा, है ना. सो दे मस्ट नो कि अभी हमारा रिजल्ट आ चुका है. लेकिन जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको अभी तक मेल कॉल नहीं आया होगा, तो उनको मेल कॉल अभी आने भी नहीं वाला है. बिकॉज जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको आइदर मेल या कॉल से बता दिया जाता है, और जो लोग सिलेक्टेड नहीं होते हैं तो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है. सो ऑलमोस्ट अभी जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलर टीचर्स की अपॉइंटमेंट होनी स्टार्ट हो चुकी है बिकॉज सेशन हमारा बिगिन हो चुका है. नाउ दोज कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट नहीं हुए आइदर इन कॉन्ट्रैक्चुअल आइदर इन रेगुलर, सो डोंट वरी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पोस्ट हमारी हर साल निकलती हैं. अभी जून जुलाई दोज कैंडिडेट्स जो कभी एपीएस में वर्क ही नहीं करे हैं, जिनका एपीएस में जो है अपना वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, सो आई रिकमेंड कि अभी जून जुलाई के अंदर हमारी एडहॉक की वैकेंसीज निकलेंगी एपीएस के अंदर, तो उस एडहॉक की वैकेंसी के ऊपर अप्लाई कीजिए फॉर वन ईयर. और एक साल जब आप काम कर लेंगे तो उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्चुअल रेगुलर किसी भी पोस्ट के अंदर अप्लाई कर दीजिए. तो इससे क्या होगा, एक तो आपके पास एपीएस का एक्सपीरियंस होगा और सेकंड जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा हाई होगा. सो आई रिकमेंड टू दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने कभी एपीएस में काम नहीं करा है कि वो एडहॉक पे अप्लाई कीजिए. और ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ओएसटी क्लियर नहीं था, उन्होंने ओएसटी ही नहीं दिया है, अभी आपके पास टाइम है, आप ओएसटी की प्रेपरेशन कर सकते हैं. ओएसटी की प्रेपरेशन कैसे करनी है आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट, कि किस तरह से आप ओएसटी की इंटरव्यू की ओएसटी एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हैं. ओएसटी दीजिए, उसके बाद आप इंटरव्यू की बिगनिंग स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, है ना. क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर से फेब मार्च के अंदर हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलर ये सब पोस्ट की इंटरव्यू होनी स्टार्ट हो जाएगी. सो आपके पास अभी एक साल है, अच्छा खासा टाइम है, ओएसटी क्लियर कीजिए. ओएसटी के बाद आप अपनी इंटरव्यू की जो है प्रेपरेशन कीजिए. और कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास आर्मी स्कूल्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या कीजिए, अभी एडहॉक पर अप्लाई कीजिए. एक साल आप एडहॉक पर काम करेंगे तो उसके पास आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एपीएस के अंदर काम कैसे किया जाता है, कैसे हर चीज की आपका कॉन्फिडेंस इवन बूस्ट होगा. सो दोज कैंडिडेट हु गॉट सिलेक्टेड, कंग्रेचुलेशंस टू देम कि वो अपने रेगुलर इंटरव्यूज के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल के अंदर जो है सिलेक्ट हुए हैं. सो सैलरी की बहुत सारे लोगों को जो है वो रहती है कंफ्यूजन कि सैलरीज कैसे रहेंगी. सो अगर हम सैलरीज बात करें उन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस तो वो 40 प्लस रहती हैं, और उन रेगुलर बेसिस भी वो 40, 44, 45 इस तरह से, मतलब 40 प्लस ही रहती हैं, और जो है वो वेरी करती हैं अलग अलग एपीएस के अंदर. एडहॉक की इंटरव्यू एडहॉक की सैलरी की बात करें तो वो भी वेरी करती है अलग अलग एपीएस के अंदर, किसी में 30, किसी में 32, किसी में उससे भी कम, तो ये जो है डिपेंड करता है. बट ऑन एडहॉक बेसिस सैलरी डजेंट मैटर, ओनली द थिंग मैटर इज योर एक्सपीरियंस, कि आप वहां पर जाके एटलीस्ट एक्सपीरियंस कीजिए. तो आई रिकमेंड टू ऑल द कैंडिडेट्स जो इस बार सिलेक्ट नहीं हुए हैं, अपनी होप ना छोड़िए, डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट एपीएस कि वहां पर सिलेक्शन तो होता ही नहीं है, ओनली ऑफिसर वाइफ कोड सिलेक्टेड, ऐसा नहीं है. बिकॉज मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने जो है इंटरव्यू की प्रेपरेशन करी थी, और आई गोट मैसेजेस, आई गोट कमेंट्स फ्रॉम दोज कैंडिडेट्स दैट आई एम नॉट फ्रॉम एनी आर्मी बैकग्राउंड, हम आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है, हमारे पास इवन एपीएस का एक्सपीरियंस तक नहीं था, बट स्टिल वी गॉट सिलेक्टेड. इट मीन्स दैट कि आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, एवरीथिंग मैटर्स एट एपीएस. सो
हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अपनी इंटरव्यू की प्रेपरेशन अभी से कीजिए बिकॉज APS बहुत अच्छी सैलरी ऑफर करता है, बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है APS के अंदर. तो आई मस्ट रिकमेंड दैट कि आप अपनी प्रेपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए. और अगर इस साल आपने जो है अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है तो नेक्स्ट ईयर आप इस अपॉर्चुनिटी को पक्का ग्रैब कीजिए, है ना. और अभी से अपनी OST की प्रेपरेशन शुरू कर दीजिए. कोशिश कीजिए कि आपकी जो है OST के अंदर अच्छी परसेंटाइल आए. और उसके साथ साथ अगर आपको एडहॉक का मौका मिलता है तो मस्ट ज्वाइन APS ऑन एडहॉक बेसिस एज वेल. सो जो फ्रेंड्स, अगर किसी की सिलेक्शन हुई है तो वो कमेंट्स में बता सकता है एंड यू कैन शेयर योर सक्सेस स्टोरी, योर इंटरव्यू स्टोरी विद अस सो दैट वी कैन पोस्ट योर सक्सेस स्टोरी ऑन यूट्यूब एंड आपसे इंस्पिरेशन लेकर और लोग भी जो है APS की इंटरव्यू दें और APS के अंदर सिलेक्शन दें. थैंक यू फ्रेंड्स.